औज़ बिल्लाह भूल क्या है, बिस्मिल्लाह ठीक है, या कब पढ़ते हैं औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, इधर आ देखा इधर कब पढ़ते हैं, जब भी कभी भी कुरान पाक पढ़ना शुरू करेंगे जब क्या करेंगे औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, तो शुरू करा शुरू सूरत में औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के कितने तरीके हैं इसको लिखो, शुरू करा और एक कपड़ा से इसको साफ, शुरू शुरू सूरत ठीक है, कितने तरीके हैं, चार तरीके हैं इसके पढ़ने के ठीक है, क्या क्या है, वसले कुल एक हो गया, फसले कुल ये दो हो गया, वसले अव्वल ये तीन हो गया, फसले सानी ये कितने हो गए, चार हो गए ठीक है। अब ये क्या है, शुरू क्या है, शुरू सूरत अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है सूरत, कोई भी सूरत किसी कोई भी आयत से शुरू होगी, सूरह फातिहा अगर से शुरू होगा अल्हम्दुलिल्लाह से। अब वसले कुल करके बताओ, वसले कुल कैसे पढ़ेंगे, इसको इससे मिलाएंगे ठीक है, उसके बाद इसको जो है इससे मिला देंगे, इसको इससे मिलाया इसको इससे मिला दिए, तो ये वसले कुल एक ही साथ साथ में पढ़ा जाएगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये क्या हो गया वसले कुल हो गया ये। अच्छा फसले कुल, फसले कुल अलग अलग कर दिए ठीक है, इसको भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको भी अलग पढ़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसको भी अलग पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, समझ में आया, समझ में आया, तो ये क्या हो गया फसले कुल हो गया। अब वसले अव्वल फसले सानी, वसले अव्वल फसले सानी, फसले सानी ये तीसरा है, फसले सानी फसले अव्वल फसले सानी फसले अव्वल वसले सानी ये चौथा है। अब इसको पढ़ो तो क्या करेंगे, औज़ु बिल्लाह को बिस्मिल्लाह से मिला देंगे और बिस्मिल्लाह को जो है अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं मिलाएंगे, खाली औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह एक साथ में पढ़ेंगे, जैसे औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो क्या हो जाएगा वसले अव्वल फसले सानी, वसले अव्वल मतलब औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह को मिला देना, फसले सानी यानी आगे की सूरत को अलग कर देना। अब क्या बचा चौथा, फसले अव्वल वसले सानी, तो ये है फसले अव्वल वसले सानी, समझ आ गया, जैसे औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम ये फसले अव्वल हो गया, पहले को अलग कर दिए, क्या औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वसले सानी हो गया, फसले अव्वल वसले सानी, पहले को छोड़ दिए अलग करके पढ़े और दूसरे को मिला करके पढ़े, चार समझ में आया, पहला क्या है एक साथ में मिला दिए तीनों को तो वसले कुल हो गया,
दूसरा क्या है फसले पुल, तीनों को अलग कर दिए तो ये फसले पुल हो गया। तीसरा क्या है वसले अव्वल फसले सानी, इसको मिला दिए तो वसले अव्वल फसले सानी हो गया, यानी दोनों को मिला दिया और अल्हम्दुलिल्लाह को अलग पड़े। ठीक है, उसके बाद में जो है फसले फसले अव्वल वसले सानी, तो इसको अलग कर देंगे, इसको फली मिला देंगे। बिस्मिल्लाह को पहले अलग कर लेंगे, ये चार तरीके हो गए। अब क्या है, ये तो शुरू तरफ शुरू सूरत है, ठीक है। अच्छा, शुरू तरफ दरमियानी सूरत, शुरू तरफ दरमियानी सूरत, इसके कितने तरीके हैं? उलाइका से शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, तो शुरू तरफ में औजबिल्ला पढ़ा देगा, जब कभी भी कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करेंगे तो औजबिल्ला पढ़ना चाहिए, ठीक है, औजबिल्ला बिस्मिल्ला पढ़ना चाहिए, तो औजबिल्ला बिस्मिल्ला पढ़ेंगे। लेकिन सूरत के बीच से हम शुरू कर रहे हैं, अभी पहले से शुरू नहीं कर रहे, शुरू से बीच से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो अब यहां इसको पढ़ने के कितने तरीके होंगे? शुरू करे दरमियानी सूरत के पढ़ने के कितने तरीके हैं? क्या क्या? फसले कुल, फसले वसले अव्वल, फसले सानी। क्यों? और क्या है? फसले कुल, इसको भी अलग पढ़ेंगे, इसको भी अलग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक तरीका पढ़ा जाएगा मिलाकर, वो क्या है? वसले अव्वल फसले सानी और बिल्ला बिस्मिल्ला को मिला करके पढ़ देंगे और इसको अलग करके पढ़ देंगे, ठीक है। ये दो तरीका इसके जायज है। ये इसको क्या कहते हैं? शुरू कर दरमियानी सूरत, ठीक है। इसके कितने तरीके? दो तरीके। क्या क्या? फसले पुल वसले अव्वल फसले सानी। तो वसले फसले पुल जो अलग करके बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है, और वसले अव्वल फसले सानी और बिल्ला बिस्मिल्लाह को मिला करके पढ़ देंगे। और बिल्ला शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब यहां से शुरू करेंगे उलाइका अला रब्बिहिम व उलाइका हुम मुफ्लिहून, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होता दरमियानी तरह शुरू सूरत, ठीक है। तो अलिफ लाम मीम को ले लेंगे, अलिफ लाम मीम, ठीक है। दरमियानी किरा शुरू सूरत नहीं है सूरत, इसके पढ़ने के कितने तरीके होंगे? तीन तरीके हैं इसके पढ़ने के। कितने तरीके? तीन है, ठीक है। वसले कुल एक हो गया, फसले कुल ये दो हो गया, फसले अव्वल
वसले सानी, ये तीन हो गया इसका, ठीक है। तो अब ये तीन तरीके को पढ़ के बताओ भाई, इसको पढ़ो तो इसको पढ़ेंगे क्या? अब यहां और गुजरा तो नहीं आएगा क्योंकि दरमियान एक तरफ है ना, तो क्या आएगा? वर्तमानी सूर्य पाठ्या के आखिर में वर्तमानी आएगा, ठीक है। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसा? जो अल्हम्दुलिल्लाह तो ऑलरेडी पढ़ रहे थे वे आ रहा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से पढ़ लेते हुए आ रहे हैं। तो अब यहां पे जो है मतलब और बिल्ला तो पढ़ेंगे नहीं, तो क्या पढ़ेंगे? खाली बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? वल्लीना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, ठीक है, मिला करके तो क्या हो गया? वसले कुल हो गया, वसले कुल हो गया। अब फसले कुल कैसा पढ़ेंगे? इसको इसको भी अलग कर देंगे, इसको भी अलग कर देंगे। वल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिका किताबुल, तो ये क्या हुआ? फसले कुल हो गया। अब क्या है तीसरी सूरत इसकी? फसले अव्वल वसले सानी, तो फसले अव्वल वसले सानी ये। अच्छा, इसमें फसले अव्वल वसले सानी क्यों है? क्योंकि बिस्मिल्लाह का ताल्लुक जो होता है सूरत के शुरू में होता है, ना कि आखिर में, ये आखिर है ना, तो आखिर में नहीं होता है, शुरू में होता है। मिला करके तो परसेंट एक के साथ में अगर इसको भी मिलाएंगे तो, लेकिन अगर जो है इस तरीके से वसले अव्वल फसले सानी अगर कर देंगे तो ये जायज नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वसले अव्वल फसले सानी अगर करोगे तो क्या होगा? बिस्मिल्लाह का ताल्लुक इससे कट जाएगा, और ताल्लुक किससे हो जाएगा? वर्तमानीन यानी सूरह फातिहा के आखिर से उसका ताल्लुक जुड़ जाएगा, तो सामने वाला सुनेगा तो यही समझेगा कि हो सकता है ये बिस्मिल्लाह जो है ये सूरत की शुरुआती आयत नहीं है, बल्कि ये जो है मतलब वर्तमानीन के बाद में ये सूरह फातिहा की आखिरी आयत। अब ये किसको समझ लेगा? आखिरी आयत समझ लेगा, इसलिए जो है इसको वसले अव्वल फसले सानी नहीं पढ़ सकते, लेकिन फसले अव्वल वसले सानी पढ़ सकते हैं। तो क्या? वल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, वल्लीन को खत्म कर दिए, बिस्मिल्लाह अलिफ लाम को मिला दिए, समझ में आया? तो ये तीन तरीके हैं कुरान पढ़ने के। क्या पहला? क्या शुरू? तेरा शुरू सूरत अभी पढ़ना शुरू किया, उसके चार तरीके हैं, वसले कुल फसले कुल वसले अव्वल फसले सानी। ये किसके तरीके हैं? शुरू तरफ शुरू सूरत के, उसके बाद शुरू तरफ दरमियानी सूरत, यानी पढ़ना तो अभी शुरू किए लेकिन जो है कुरान की जो हम इब्तिदा कर रहे हैं वहां से बीच से कर रहे हैं, किसी सूरत के बीच से कर रहे हैं। तो उसके दो तरीके होंगे, वसले फसले कुल सबको अलग अलग पढ़ना है, और बिल्ला बिस्मिल्ला और वह आयत को, और एक तरीका क्या है? वसले अव्वल फसले सानी, यानी औजुल्ला बिस्मिल्ला को मिला करके पढ़ देंगे, और जो है आयत को आगे चल लाए ताला वल्लाहु अकीम हो या लाम मीम, ये क्या था मतलब अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल्लाहुल कय्यूम से पढ़ो कहीं से भी बीच में से, तो इसको अलग कर देंगे और औजुल्ला बिस्मिल्ला को मिला करके पढ़ देंगे। और तीसरा तरीका क्या है? दरमियानी तरह शुरू सूरत, यानी हम पहले से पढ़ लेते हैं, आ रहा बीच में आकर के सूरत की शुरुआत हो रही है, तो उसमें कितने तरीके हैं पढ़ने के? तीन तरीके। क्या क्या? वसले कुल फसले कुल फसले अव्वल वसले सानी, ठीक है, यानी इसको जो है पहले वाले को मिला करके भी, पहले वाले को दूसरे वाले को तीसरे वाले को मिला के भी पढ़ सकते हैं, सबको अलग करके भी पढ़ सकते हैं, और जो है मतलब पहले वाले को अलग करके दूसरा और तीसरा को मिला करके पढ़ सकते हैं। ये जो है जायज तरीका है, ये सही तरीका है, ठीक है। ये होंगे ये चार तरीके, कल जो है ये सुनाना है। समझ में आया? ये लिख लो, औज़ु बिल्लाह
बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या है? शुरू किरा, शुरू सूरत, ठीक है। इसके चार तरीके क्या क्या? वस्ले कुल, फसले कुल, वस्ले अव्वल, वस्ले अव्वल, फसले सानी, ठीक है। और फसले अव्वल, वसले सानी, ये चार तरीके इसके हो गए, ठीक है। उसके बाद में क्या है? शुरू किरत, दरमियानी सूरत, इसके कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। क्या क्या है? फसले कुल, ये एक हो गया, ठीक है। यार औजुबिल्लाह बिस्मिल्लाह को मिला करके पढ़ेंगे, ठीक है। और वो दरमियानी सूरत है ना, जैसे उलाइका वगैरह कुछ भी एक आयत ले लो, अल्लाह लाइला, ये क्या हुई? शुरू करा दरमियानी सूरत, और तीसरा क्या है? दरमियानी, दरमियानी किरत, किरत, शुरू सूरत, इसके कितना तरीके हैं? तीन तरीके हैं। वसले कुल एक, फसले कुल, फसले अव्वल, फसले सानी, ये तीन तरीके हैं, ठीक है। तो ये हो गए वो दौली वगैरह में कहीं पर भी खत्म किए, उसके बाद में आ गया इकराम मीम आया। तो अब इसके अब समझ में आ गया, शुरू करा शुरू सूरत में औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा, औज़ु बिल्लाह पढ़ा जाएगा, जो भी सूरत है उसको मिला करके एक साथ में पढ़ने को वसले पुल कहेंगे, सौ को अलग अलग पढ़ने को फसले पुल कहेंगे, और बिल्ला बिस्मिल्ला को मिला करके अब आगे वाली जो सूरत है उसको अलग करके पढ़ने को वसले अव्वल फसले सानी कहेंगे, और बिल्ला बिस्मिल्ला को अलग अलग पढ़ने को और बिल्ला को अलग पढ़ने करके बिस्मिल्ला और सामने की सूरत को मिला करके पढ़ने को फसले अव्वल वसले सानी कहेंगे, ठीक है। ये एक तरीका होगा। अब शुरू करत और शुरू करत और शुरू दरमियानी सूरत, ठीक है, करत हम पढ़ना अभी से शुरू किए, और जरा इसके सूरत की शुरुआत अभी हुई,
ठीक है, तो उसके कितने शुरू किया दरमियान सूरत, अभी पढ़ना शुरू किया लेकिन सूरत के बीच में से पढ़ रहे हैं, तो उसके दो तरीके पढ़ेंगे, और बिल्ला बिस्मिल्लाह को अलग अलग पढ़ेंगे, और बिल्ला को भी अलग, बिस्मिल्लाह को भी अलग, और जो है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सब पढ़ रहे हैं तो उसको भी अलग पढ़ेंगे, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि हम औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह को भी एक साथ में पढ़ लेंगे लेकिन अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हय्युल क़य्यूम को हम अकेला पढ़ेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, फसले अव्वल फसले सानी, ठीक है। और दरमियानी तरफ शुरू सूरत, यानी हम जो पहले से पढ़ लेते हुए आ रहे हैं सामने जो है सूरत आ गई, जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हुए आ रहे थे सामने अलिफ लाम मीम है सूरह बकरा है, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, तीन तरीके से पढ़ेंगे, वस्ले पुर यानी वल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, वस्ले पुर, वस्ले पुर कहेंगे। और फिर जो है हम फसले पुर यानी वल्लीन पे हम रुकते हैं, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, तीनों को अलग अलग करके पढ़ दिए, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, फसले पुर। और एक तरीका है इसके कि फसले अव्वल वसले सानी, यानी जो है हम वान नीम पर रुककर बिस्मिल्लाह को अलिफ लाम मीम से मिला दिए, समझे कि नहीं, और इसलिए यहाँ पर जो है बिस्मिल्लाह को अलिफ लाम मीम से मिलाएंगे क्योंकि बिस्मिल्लाह की बिस्मिल्लाह का ताल्लुक जो है वो सूरत के शुरुआत से है, ना कि आखिर से नहीं है, बल्कि सूरत के शुरू होने से ताल्लुक है, ठीक है। इसलिए जो है ये जायज है कि फसले अव्वल वसले सानी पढ़े, लेकिन वसले अव्वल फसले सानी ये जायज नहीं है, यानी वल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ये पढ़ना जायज नहीं है। तो ये तरीका तुम लोग जो है बराबर याद कर ले, ठीक है, समझ में आइए, समझ में आया, अब पढ़ के बता सकते हो ना, हाँ।